Hey guys, welcome back to this channel. मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं आपका favorite channel Star Life Pack. So friends, अभी कुछ टाइम से इधर से मैं अलग अलग वीडियोस बना रहा था तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा अलग करते हैं. मैं एक ब्रीड को पकड़ के स्पेशली पहले उसकी स्पेसिफाई करूंगा अलग अलग वीडियोस बना के कि उसके कोट में क्या डिफरेंस है या फिर बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी ब्रीड्स आती हैं उसी ब्रीड में. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम जर्मन शेफर्ड की बात कर लेते हैं तो एंगुलेशन क्या होता है, नॉन एंगुलेशन डॉग क्या होता है, इसमें डिफरेंस या फिर लॉन्ग कोट मीडियम कोट में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से कोट आते हैं. तो इस सब को एक वीडियो में ना कवर करके हम इसे अलग अलग कर लेंगे क्योंकि इसकी जो डिटेल है वो काफी ज्यादा डीप है. तो अगर एक वीडियो में कवर अप करना चाहेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी. तो मैंने सोचा इसको दो या तीन पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से बना पाएंगे. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं प्योरिटी से. तो प्योरिटी के ऊपर मेरी स्टार्टिंग में एक वीडियो थी, अभी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फटाफट से वहां से वीडियो देख सकते हो वाली, या फिर डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो आप उस वीडियो को प्योरिटी की. तो प्योरिटी के ऊपर तो वीडियो है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर कि व्हाट इज एन एंगुलेशन, व्हाट इज नॉन एंगुलेशन, डिफरेंस क्या होता है दोनों डॉग्स में कि कौन सा एंगुलेशन वाला है कौन सा नॉन एंगुलेशन वाला है, लोगों के हिसाब से कौन सा प्योर है कौन सा नॉट प्योर है, सब के ऊपर बात करेंगे. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो गाइस, अभी जो आप एक इसके बाद एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखोगे वो मेरे फ्रेंड के चैनल की है, गेमिंग चैनल है, उसका नाम है क्रिप्टो गेमर. जल्दी से आओ उसे सब्सक्राइब करो, छोटी सी वीडियो क्लिप है, इसे देख के जाना, बहुत ही ऑसम गेम प्ले वगैरह डालता है वो. तो जल्दी से जाओ उसके चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो. जैसे कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन एंगुलेशन एंड नॉन एंगुलेशन डॉग के बारे में, कि जो नॉन एंगुलेशन डॉग होते हैं वो कौन से होते हैं और एंगुलेशन वाले डॉग होते हैं वो कौन से होते हैं. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एंगुलेशन वाला प्योर है या नॉन एंगुलेशन वाला प्योर है, ये सब बेकार की बातें हैं. दोनों ही डॉग ब्रीड पूरी प्योर होती है. बस ये है कि इसमें दो कैटेगरीज है. एक कैटेगरी होगी एंगुलेशन, जो कि डॉग पीछे से झुके हुए होते हैं, जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. इस टाइप के जो डॉग्स होते हैं पीछे से थोड़े डाउन, पीछे से थोड़े ले डाउन डॉग्स होते हैं वो एंगुलेशन डॉग होते हैं. और जैसे हमारी पैरों है स्ट्रेट बैक की, ये डॉग्स जो होते हैं ये होते हैं नॉन एंगुलेशन वाले डॉग. जो पहले बताया था वो एंगुलेशन वाले, ये नॉन एंगुलेशन वाले. तुझे नींद आ रही है, तू सो रहा है, जैसे कि हमारी पैर हुआ नॉन एंगुलेशन वाली. तो डिफरेंस क्या है और कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है दोनों डॉग्स के साथ में. तो जो एंगुलेशन वाले डॉग्स होते हैं पीछे से ले डाउन होते हैं, और जैसे कि हम सबको पता है जर्मन शेफर्ड में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो लेग्स की ही आती है, लेग्स की बोन्स की या फिर दूसरी लेग प्रॉब्लम ज्यादा आती है जर्मन शेफर्ड में. तो जो एंगुलेशन वाले डॉग्स होते हैं उनमें लेग प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू नॉन एंगुलेशन वाले डॉग्स. फॉर एन एग्जाम्पल उन डॉग में हिप रिफ्लेक्स से सबसे ज्यादा पाया जाता है. उसमें क्या होता है डॉग के पीछे की टांगें जो है वीक पड़ जाती हैं और जो उनकी बोन्स होती हैं वो आपस में टकराने लगती हैं ऊपर बैक बोन के पास से. तो डॉग को चलने में प्रॉब्लम होती है और काफी ज्यादा अजीब स्ट्रक्चर हो जाता है डॉग की बॉडी का. तो जो ये हिप रिफ्लेक्स वाली प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा एंगुलेशन वाले डॉग्स में आती है. नॉन एंगुलेशन में भी कभी कभी आ जाती है, बट ज्यादातर ये प्रॉब्लम सिर्फ एंगुलेशन वाले डॉग्स में ही आ पाती है क्योंकि उनकी बॉडी पहले से ही पीछे से लेड आउट होती है और उनके जो बैक लेग्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू नॉन एंगुलेशन डॉग्स थोड़े ज्यादा वीक होते हैं. और उन डॉग्स को वर्किंग राइट डॉग्स के लिए बिल्कुल यूज नहीं करा जाता. फॉर एन एग्जाम्पल पुलिस वर्क और मिलिट्री वर्क के जो आपने डॉग्स देखे होंगे जर्मन शेफर्ड, वो कभी भी आपको एंगुलेशन वाले नहीं दिखेंगे क्योंकि उनको रनिंग में भी काफी प्रॉब्लम आती है और इस टाइप की प्रॉब्लम उनको ज्यादा फेस करना पड़ता है. जैसे कि मैंने अभी बताया बोन प्रॉब्लम वगैरह की. मिलिट्री वर्क या फिर सोशल वर्क के लिए जो डॉग्स यूज करे जाते हैं जर्मन शेफर्ड में वो हमेशा ही ऐसे नॉन एंगुलेशन वाले डॉग यूज करे जाते हैं क्योंकि ये थोड़े ज्यादा एथलेटिक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू एंगुलेशन वाले डॉग. तो बात करते हैं नॉन एंगुलेशन वाले डॉग. नॉन एंगुलेशन वाले डॉग्स में भी ब्लैक प्रॉब्लम्स आती हैं, बट एज कम्पेयर टू एंगुलेशन वाले डॉग इनमें काफी कम आती है प्रॉब्लम. बाकी लोगों के पसंद के ऊपर बात है, कईयों को नॉन एंगुलेशन वाले पसंद होते हैं कईयों को एंगुलेशन वाले पसंद होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि जो एंगुलेशन वाले हैं वही प्योर है या जो नॉन एंगुलेशन वाले हैं वो अनप्योर. एंगुलेशन वाला भी उतना ही प्योर है जितना नॉन एंगुलेशन वाला, और नॉन एंगुलेशन वाला भी उतना ही प्योर है जितना एंगुलेशन वाला. तो बात करते हैं कि कैसे चेक करें हमारा डॉग एंगुलेट है या नहीं है.
नॉर्मली जब हम डॉग को कुछ इस टाइप की पोजीशन में खड़ा करते हैं, जैसा भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, इसको कहते हैं स्टैक। इसको एंगुलेशन या नॉन एंगुलेशन नहीं कहते, ये आप किसी भी डॉग को खड़ा कर सकते हो, चाहे वो एंगुलेशन है नहीं है, पीछे से झुका हुआ है या नहीं है। मेन बात, इस पोजीशन में आप डॉग कभी भी खड़ा कर सकते हो, इसे कहते हैं स्टैक, इसे एंगुलेशन नहीं कहते। कभी आप अपने नॉन एंगुलेट डॉग को इस पोजीशन में खड़ा करके कहो कि हमारा तो एंगुलेशन वाला है, इसे स्टैक कहते हैं। स्टैक पोजीशन ये हमेशा शोज में यूज करी जाती है ताकि डॉग की ब्यूटी ज्यादातर निखर के आए जितनी ज्यादा हो सकती है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे देखना है आपका डॉग एंगुलेशन वाला है या नहीं। पैरों के साथ ही दिखाता हूँ, करो हेड ऊपर लोगे, उसके बाद अपने डॉग में देखोगे जैसे पैरों की बॉडी एकदम स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक एकदम स्ट्रेट है। अब चाहे मैं इसको ऐसे करके एंगुलेट करने की कोशिश करूँ तब भी ये स्ट्रेट रहेगा, और चाहे मैं नॉर्मल छोड़ दूँ तब भी ये स्ट्रेट रहेगा। ये स्ट्रेट बैक वाले वर्किंग लाइन जिस चीज में भी कहते हैं। ऐसे स्ट्रेट बैक डॉग्स को जो है वर्किंग लाइन जीएसटी कहते हैं। इन्हें ही हमेशा सोशल वर्क्स के लिए यूज किया जाता है, फिर चाहे वो मिलिट्री वर्क्स हो या फिर पुलिस वर्क्स हो, इन वर्क्स में हमेशा इन स्ट्रेट बैक्स वाले डॉग्स को ही यूज किया जाता है। एंगुलेशन वाले डॉग्स को कहते हैं शो क्वालिटी डॉग्स, क्योंकि उन्हें डॉग शोज के लिए यूज किया जाता है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी दिखा दिया है। कि किस तरह के एंगुलेशन डॉग्स होते हैं और किस तरह के नॉन एंगुलेशन डॉग्स होते हैं। इन डॉग्स को पुलिस वर्क्स, मिलिट्री वर्क्स के लिए यूज किया जाता है, उन डॉग्स को शोज के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली आप इन डॉग्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इन्हें आप वर्किंग लाइन डॉग्स कह सकते हो और उनको आप शो लाइन डॉग्स कह सकते हो। दोनों के प्राइस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसी वजह से एंगुलेशन वाली जीएसटी का नॉर्मल प्राइस जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 20,000 से 22,000 के बीच, और जो नॉर्मल जीएसटी का आपको प्राइस पड़ेगा वो आपको मिलेगा 12,000 से 15,000 के बीच। मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल का प्राइस इसी में थोड़ा सा 2,000 to 3,000 अप डाउन पड़ेगा, इससे ज्यादा महंगा या कम नहीं पड़ेगा फीमेल का प्राइस। अभी जो मैंने प्राइस बताया वो मेल का था, 20,000 से 25,000 के बीच का मेल, और 12,000 से 15,000 का मेल नॉन एंगुलेशन और एंगुलेशन। सो आई होप गाइस मैंने आपकी सारी दिक्कत दूर कर दी होगी एंगुलेशन और नॉन एंगुलेशन के बीच की, शो लाइन और वर्किंग लाइन के बीच की भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सो गाइज आई होप मैंने आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी होगी कि शो लाइन क्वालिटी कौन सी होती है और वर्किंग लाइन क्वालिटी कौन सी होती है, एंगुलेशन कौन सा होता है और नॉन एंगुलेशन वाला जीएसटी कौन सा होता है। तो आई होप मैंने सारी कंफ्यूजन आपकी दूर कर दी होगी। तो वीडियो खत्म होने से पहले एक चीज और दिखाता हूँ आपको, पैरों की। तो आपने पैरों की पुराने वाली ड्रेस तो देखी थी, ये है उसकी नई वाली ड्रेस जो हम लेके आए हैं, छोटी सी बड़ी। तो करते हैं फटाफट पैरों को तैयार। सो गाइस देखो और बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है हमारी पैरों। ये वाला जो है ये ऊपर से भी कवर है और नीचे से भी कवर है। सो आई होप गाइस मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी होगी कि कौन से वर्किंग लाइन जीएसटी होते हैं, कौन से शो लाइन जीएसटी होते हैं, कौन से एंगुलेशन वाले होते हैं, कौन से नॉन एंगुलेशन वाले होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।